मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ओके सिट डाउन. आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड पढ़ेंगे. क्या चैप्टर का नाम है? द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड. पीकॉक मतलब आप लोग जानते हैं? पीकॉक मीन्स क्या होता है? किसने किसने देखा है? सभी ने देखा है. लड़के नहीं देखे हैं क्या? लड़कियों ने केवल हाथ उठा रखा है. ठीक है ठीक है. ये पीकॉक आवर नेशनल बर्ड. पीकॉक हमारा क्या है? नेशनल बर्ड है. नेशनल बर्ड मतलब राष्ट्रीय पक्षी. हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर. तो उसके बारे में बताया गया है. इसमें एक फ्रेजेस दिए गए हैं. इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच कंसल्ट किया गया है. टीचर बोल रहे हैं, बोलो मेरे साथ, टीचर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. अब इसमें फ्रेज दिया गया है. इसमें क्या है कि टीचर आते हैं और बच्चों को क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यानी सुबह सुबह क्या करते हैं? विश करते हैं, है ना. गुड मॉर्निंग मतलब समझते हैं ना, सुप्रभात. अब बच्चे क्या करते हैं? स्टूडेंट्स स्टैंडिंग. गुड मॉर्निंग सर. स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना. तो जब टीचर आते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो बच्चे भी खड़े हो गए. गुड मॉर्निंग सर विश करते हैं ना, वैसे ही. फिर टीचर क्या करते हैं? सोज देम अ पिक्चर ऑफ पीकॉक एंड आस्क, कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड. अब टीचर क्या करते हैं? सोज मीन्स दिखाना, पिक्चर मीन्स चित्र, पीकॉक मीन्स मोर, आस्क मीन्स पूछना. अब टीचर क्या करते हैं कि सोज देम अ पिक्चर ऑफ पीकॉक एंड आस्क. टीचर जो है पिक्चर दिखाते हैं. किसका पिक्चर दिखाते हैं? मोर का पिक्चर दिखाते हैं, पीकॉक का. और पूछते हैं कि कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड. क्या आप इस बर्ड का यानी इस चिड़िए का, इस पक्षी का नाम आप बता सकते हैं? टीचर क्लास में एंट्री करते हैं, बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बच्चे भी टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं. उसके बाद वो एक पिक्चर दिखाते हैं. किसका पिक्चर दिखाते हैं? हाँ, और मोर का पिक्चर दिखा के बच्चों से पूछते हैं कि क्या आप इस पक्षी को पहचान रहे हो. फिर क्या होता है? स्टूडेंट्स बोलते हैं, स्टूडेंट्स यस सर इट्स अ पीकॉक. फिर बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर हम लोग पहचानते हैं, ये क्या है? पीकॉक है, है ना. फिर टीचर बोलते हैं कि वेल डन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल वर्ड द पीकॉक. अब टीचर वेल्डन बोलते हैं. वेल्डन मतलब समझते हैं? वेल्डन मतलब शाबाश होता है. जैसे कोई आंसर देते हैं बच्चे तो टीचर खुश होकर वेल्डन बोलते हैं, गुड, वेरी गुड, वेल्डन बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट देते हैं. तो जब बच्चे बताते हैं कि आप पीकॉक है तो टीचर क्या बोलते हैं? वेल्डन. वेल्डन मीन्स शाबाश. टूडे मीन्स होता है आज. वी मीन्स हम. टॉक अबाउट यानी किसके बारे में बात करेंगे? पीकॉक के बारे में बात करेंगे. और पीकॉक क्या है? नेशनल बर्ड है. तो टीचर बोलते हैं कि ठीक है, आज हम लोग आवर नेशनल बर्ड यानी हमारा राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक के बारे में पढ़ेंगे, है ना. देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक. वेरियस मतलब होता है बहुत सारा, और स्पीसीज मीन्स होता है प्रजातियां. मतलब कि एक चीज की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है ना पीकॉक. तो बोलते हैं टीचर कि पीकॉक की जो है वेरियस, देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक. यानी पीकॉक की क्या है? बहुत सारी स्पीसीज यानी बहुत सारी प्रजातियां हैं, है ना, बहुत सारे प्रकार के होते हैं. लेकिन नो इन इंडिया ओनली द होता है जानना. इंडिया मीन्स भारत में, और ब्लू मीन्स नीला, पीकॉक मीन्स मोर, फाउंड मीन्स पाया जाता है. अब टीचर बोलते हैं कि वैसे तो पीकॉक के बहुत सारे वेरियस
स्पेसीज है, यानी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन इंडिया में यानी भारत में केवल ब्लू पीकॉक ही पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना ब्लू पीकॉक, मोर केवल नीला ही देखा है ना, किसी ने हरा पीला काला उजला तो नहीं देखा है, नहीं ना? फिर देखो, हैज एनीवन ऑफ यू सीन इट। अब ये सी का थर्ड फॉर्म लिखा गया है सीन, यानी देखा है। अब टीचर बोलते हैं कि क्या आप में से किसी ने पीकॉक को देखा है, ब्लू पीकॉक को देखा है? तो इस चैप्टर के, सुनिए ध्यान से, इस चैप्टर के इस पैराग्राफ में, पीछे बात नहीं करो, इस चैप्टर के इस पैराग्राफ में ये लिखा गया है, बताया गया है कि, एक समरी बताते हैं स्टोरी टाइप में, कि टीचर जो है क्लास में एंट्री करते हैं, बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बच्चे भी टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, फिर टीचर क्या करते हैं कि एक पिक्चर दिखाते हैं, और वो पिक्चर किसका रहता है, किसका रहता है, मोर का, है ना, पीकॉक का रहता है। और उसके बाद बच्चों से पूछते हैं कि क्या आप सभी इस पिक्चर को पहचान रहे हो? तो बच्चे बोलते हैं यस सर, हम लोग पहचान रहे हैं। तो टीचर खुश हो जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं वेल डन, शाबाश, एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं। उसके बाद बताते हैं कि आज हम लोग नेशनल बर्ड पीकॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि पीकॉक की बहुत सारी स्पीसीज यानी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन इंडिया में, भारत में केवल ब्लू पीकॉक की स्पीसीज पाई जाती है, ब्लू पीकॉक ही मैक्सिमम देखने को मिलता है। फिर लास्ट में बच्चों से पूछते हैं क्या आप सभी ने पीकॉक देखा है, आप सभी ने भी देखा है? ओके, थैंक यू।